नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी, संगीत भोजपुरी से, और आज हम लोग हैं गैंगस्टर दुल्हनिया के साथ। और गैंगस्टर दुल्हनिया एक अजीब सा टाइटल है ना, गैंगस्टर दुल्हनिया अमूमन जो है होता है भोजपुरी फिल्मों में, जो गैंगस्टर वो आदमी ही बनते हैं। तो मैं मिला रहा हूँ आपको गैंगस्टर दुल्हनिया से, और आप लोग जानेंगे कि कौन बन रहा है गैंगस्टर दुल्हनिया। निधि जी, स्वागत है हमारा संगीत भोजपुरी पर आपका। लुलिया बन गई आप, अभी गैंगस्टर बन गई आप, मतलब क्या क्या बनना है अभी? पहले तो संगीत भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को निधि झा की तरफ से प्रणाम। और जैसा कि आपने कहा कि लुलिया बन चुकी हूँ, वो सब आप ही का प्यार है, आपका प्यार है कि मैंने गाना किया और आप सबने उस गाना को इतना पसंद किया कि अब मैं जहाँ भी जाती हूँ लुलिया के नाम से फेमस हूँ। बस यही चाहूँगी कि मैं गैंगस्टर दुल्हनिया अपने आप को ऐसा प्रूफ कर पाऊँ कि आप सब मुझे अब दूसरा नाम गैंगस्टर दुल्हनिया दे दें। जो आपको कहानी सुनाया गया होगा फिल्म का, टाइटल से ही ऐसा लग रहा है एक्शन फिल्म है, मतलब ये तो साबित हो गया कि आप एक्शन करने वाली हो इस फिल्म में। किस तरह की फिल्म है, अगर आप रिवील करो अपना जो है किरदार? मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट यस, ये अब तक जितना मैंने किरदार किया है, आपने निधि झा को एक अच्छी लड़की, बुरी लड़की, प्यार को पाने के लिए जो भी मशक्कत करती है, रोमांस करता है, वो सब कुछ देखा। लेकिन इस कैरेक्टर को, गैंगस्टर दुल्हनिया, टाइटल ही एक बहुत यूनिक है। जब ये डायरेक्टर ने मुझे सुनाया था कॉन्सेप्ट, आई वाज लाइक ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर मेरे लिए है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्टर इतने कम समय में इतना अच्छा अच्छा और इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर कर पाया। एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बिकॉज आप सबका प्यार और आप सबके प्यार की वजह से ही मैं एक ऐसा कैरेक्टर करने जा रही हूँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डांस इतना अच्छा करती हैं, आप सबको नचा देती हैं, एक्शन के लिए क्या कर रही हैं आप? एक्शन सीख रही हैं या ऑटोमेटिक वहाँ पर ऑन द सेट करने वाली हैं, क्या करने वाली? देखिए, मैं सीख तो नहीं रही हूँ, वहीं जो भी करूँगी वहीं, बट यस, मैं अपने आप पे ज़रूर वर्कआउट कर रही हूँ कि गैंगस्टर दुल्हनिया, गैंगस्टर जो है उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, क्योंकि एक सच्चा एक्टर आप उसी ही कहते हैं जो अपने कैरेक्टर के लिए मेहनत करता है। और इस कैरेक्टर के लिए मैं हूँ या मेरे एक्टर हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, सब लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने कैरेक्टर को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, उसमें मिल चुके हैं, घुल मिल गए हैं। निधि, इतनी जल्दी इतने कम टाइम में आप सबको टक्कर दे रही हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, नेट पे भी देखा है, व्यूअर्स के मामले में भी, तो क्या है वजह, क्या है उसकी? देखिए, टक्कर देने की बात नहीं है, ये बस कहते हैं कि आप अगर कुछ काम करते हैं वो सच्चे दिल से, तो वो आप तक पहुंचता है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ आपके दिल तक पहुँच रहा है, इट मीन्स मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैंने अपने आप को अपने कैरेक्टर से आपको कनेक्ट किया है। तो यही वही कहूँगी कि ये आप सबका आशीर्वाद है कि मैं अपना 100% देती हूँ। और मेरे लिए ये गैंगस्टर दुल्हनिया एक चैलेंजिंग है, बिकॉज अब जितना मैं जानती हूँ कि लोगों की आशाएँ बढ़ चुकी हैं निधि झा की तरफ से, एंड यही कोशिश है कि अपना 100% दूँ और 100% आप सबको मिले। नहीं, टक्कर के नाम पे एक और ऐड करूँगा मैं क्वेश्चन, इतनी सारी हीरोइनें हैं, एक फिल्म के लिए कई सारा ऑप्शन आता होगा, कितना मुश्किल है, मतलब कि मुश्किल ही होता है क्योंकि कई लोग इतने सारे ऑप्शन, ऊपर से इतनी सारी राजनीति जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे उभरती हैं आप? आपने कभी सुना है कि यार उस फिल्म में मैं थी तो ये हो गया, पार्शियलिटी हो गया, कुछ ऐसा आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? देखिए, पॉलिटिक्स तो होता ही है, आप इस इंडस्ट्री में जाएँ या कहीं और, मैं मानती हूँ बस आप अपना काम करते जाइए, पॉलिटिक्स तो होते ही रहेगा। आपको जो काम मिला आप उसमें 100% रहिए, अगर आप में टैलेंट है तो 110% आपको ऑफर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा निधि, आने वाली फिल्में कौन कौन सी है आपकी, अगर बताएं तो? आने वाली फिल्मों में मोहब्बत जिंदाबाद है, अग्निसाक्षी है, गैंगस्टर दुल्हनिया है, और दो और टाइटल है, बट टाइटल अभी तक एग्जैक्ट डिस्कस नहीं हुआ है, तो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती हूँ। नहीं, रिवील नहीं करिए, इतनी सारी फिल्में किया है आपने, इतने सारे मतलब जो एक्टर्स के साथ आपने काम किया, अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट एक्टर कौन है तो क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे लिए मेरे सारे एक्टर मेरे फेवरेट होते हैं, बिकॉज सब अपने एक प्लेस पे, कोई एक्शन के मामले में बहुत बढ़िया है, कोई रोमांस के मामले में, तो मेरे लिए मैंने जितनों के साथ काम किया सब मेरे लिए मेरे फेवरेट एक्टर है।
अच्छा अभी आपने नहीं, लेकिन मैं तो एक सवाल पूछूंगा, ऐड करूंगा मैं, पवन जी के साथ काम किया आपने, यंग में आपने चिंटू के साथ काम किया, यश के साथ काम किया, और किसके साथ चाह रही हैं कि आप काम करें? मैंने कहा ना कि मैं सबको मानती हूँ, मुझे जिनके साथ मुझे लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर ये किरदार मुझे इनके साथ करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे लिए कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि मैं इनके साथ ही करूँगी या ये, वो चीज़ मुझसे नहीं। अगर मुझे लगता है कि कोई नया बंदा आया भी रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैं उस चीज़ में वर्कआउट करूँगी। तो अच्छा, आपको लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं दिन पर दिन, जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो सिंगर्स के लिए जो ये इंडस्ट्री बनी हुई है, लोग बोलते हैं कि अरे यार सिंगर है तो चलेगा, आपको ये बात कहीं से गलत लगती है कि नहीं यार जो जिसमें टैलेंट है वो चलेगा? देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि आपको नए लोगों को भी देना चाहिए मौका, बिकॉज आज ऐसा टाइम हो गया है कि पॉलिटिक्स तो हर जगह है, सिंगर सिंगर हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करूँगी, बट यस नए लोगों को आपको देना चाहिए, बिकॉज उन नए में से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं बट उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पॉलिटिक्स हो जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगी कि आप मौका एक बार दे के दीजिए, पॉलिटिक्स मत खेलिए। एंड आई एम श्योर आप जिस दिन ये चीज़ें हो गई, जब लोगों को प्रॉपर मौका मिलना शुरू हो जाएगा, इस भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर पहुँचता हुआ ना कोई नहीं रोक सकता है।